वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र जूनागढ़ से प्रदीप मेहता का जय गुरुदार। दोस्तों, देव गुरु बृहस्पति की कृपा के बारे में आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, लेकिन जब बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं तो कई राशि के जातकों के जीवन को पूरी तरह से बदल देते हैं। जल्द ही 22 अप्रैल को बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। वह मीन राशि से मेष राशि में चले जाएंगे। इस राशि परिवर्तन का बहुत ही सकारात्मक लाभ मिथुन राशि के जातकों के जीवन में भी देखने को मिलने वाला है। आपकी राशि मिथुन है तो आज का यह डिटेल वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाया है। आपको जानकर खुशी होगी कि बृहस्पति के कारण आपके करियर, मैरिड लाइफ और फाइनेंशियल भरण पर बहुत ही अच्छे चेंज होंगे। इस बारे में विस्तार से जानने के लिए आप वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने कई बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की है और वह हमेशा 100% सच भी साबित हुई है। जब सूर्य परिवर्तन हुआ था तब मैंने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि 14 जनवरी से पहले देश में रहस्यमय घटनाएं घटित होगी जो नुकसान की संभावनाओं को जन्म देगी। अभी आप देख ही रहे हैं, उत्तराखंड के जोशी मठ में जो भयानक रहस्यमय घटनाएं घटित हो रही है वह मेरी भविष्यवाणी को 100% सही साबित कर रही है। आप चाहे तो वीडियो ऊपर क्लिक करके देख भी सकते हैं। दोस्तों, आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जिंदगी में बृहस्पति क्या बदलाव करने वाले हैं। अभी तो बृहस्पति आपकी कुंडली में 10वें घर में मौजूद है, जो बाद में जाकर यानी 22 अप्रैल को 11वें घर में जाकर बैठ जाएंगे। ये दोनों ही स्थितियाँ आपके लिए लाभदायी है। अभी तो बृहस्पति 10वें घर में बैठकर आपको धन से जुड़ा बहुत लाभ करवाएंगे, आपके जीवन को खुशहाल बनाएंगे। दोस्तों, आप लंबे समय से कोई जमीन या घर लेने की सोच रहे थे तो इस समय वह डील फाइनल हो सकती है, यहाँ तक आकस्मिक तरीके से लाभ मिल सकता है। वही कोई लीगल मैटर आपका फंसा हुआ है तो वह भी जल्द हल हो जाएगा। कोर्ट केस आपके फेवर में आ सकता है। ऐसा होने पर आपके पैसों की बचत भी होगी क्योंकि आपके लीगल इश्यू पर होने वाला खर्च बचेगा। इसके अलावा आपको प्रॉपर्टी से जुड़ा बेनिफिट भी हो सकता है। आपको अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है। आपके घर के बड़े आपको संपत्ति में हिस्सा दे सकते हैं। यह संपत्ति मिलने पर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी स्ट्रॉन्ग होगी और आप अपने भविष्य को लेकर टेंशन फ्री हो जाएगी। साथ ही पैतृक संपत्ति बढ़ने से आपके और भाई बहनों के बीच भी रिश्ते सहज हो जाएंगे, आपके बीच के मनमुटाव दूर हो जाएंगे। दोस्तों, यह सब तो बृहस्पति के 10वें घर में बैठे होने के कारण होगा, लेकिन जब बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी कुंडली में 11वें घर में आएंगे तो आपका भाग्य ही पूर्ण रूप से बदल जाएगा। आपके लिए धन योग के कई दरवाजे खुल जाएंगे, यानी आपको कई सोर्स से पैसा मिलेगा। जैसे आपका पैसा अगर कहीं रुका हुआ था तो आपको अप्रैल के महीने में आसानी से मिल जाएगा। आपके अपने रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ भी रिलेशन बेटर होंगे। वह आपकी मदद के लिए आसानी से तैयार हो जाएगी। अपनों के सपोर्ट से आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम इजीली दूर हो जाएगी। दोस्तों, आप नौकरी पेशा है या बिजनेस करते हैं तो आपको अपनी वर्क फील्ड में खूब बेनिफिट होगा। नौकरी में आपको अच्छी जॉब के ऑफर आ सकते हैं या आपका प्रमोशन भी हो सकता है, और ऑफिस में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी या नया प्रोजेक्ट लीड करने को दिया जा सकता है। ऐसा होने पर वर्क प्लेस में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी और आप अपने करियर में खूब तरक्की करेंगे। बिजनेस में भी आपको काफ़ी फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। बृहस्पति की कृपा से आप अपने बिजनेस की दूसरी ब्रांच शुरू कर सकते हैं, यानी अपने बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो बिजनेस में पार्टनरशिप करने का भी सोच सकते हैं। ऐसा करने पर भी आपको फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। वही आप शेयर बाजार के जरिए भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। स्टॉक के जरिए अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है, लेकिन शेयर मार्केट में किसी के कहने पर पैसा न लगाए। आप पहले खुद रिसर्च करें, उसके बाद ही पैसा लगाने की सोचें, तभी आपको अच्छा पैसा शेयर मार्केट के जरिए मिल पाएगा। स्टूडेंट को भी अपनी एकेडमिक लाइफ में देवगुरु बृहस्पति के कारण अपार सफलता मिलेगी।
आप अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेंगे तो उसमें आप पास हो जाएंगे, यानी आपकी सरकारी नौकरी इस अवधि के दौरान लग सकती है। लेकिन आपको मेहनत भी पूरी करनी है, अपनी एग्जाम की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़नी है, क्योंकि दोस्तों देवगुरु भी मेहनत करने वालों पर ही प्रसन्न होते हैं और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा आपको अपने मनचाहे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिल सकता है। अगर आपकी स्टडी पूरी हो चुकी है तो आपका प्लेसमेंट किसी अच्छी कंपनी में भी हो सकता है, जहां पर आपको काफ़ी बड़ा सैलरी पैकेज भी दिया जाएगा। इस तरह दोस्तों एजुकेशन से जुड़ी फील्ड में आपको खूब सफलता प्राप्त होगी, लाभ होगा और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। लेकिन बृहस्पति केवल आपको पैसा या सफलता ही नहीं देते हैं, आपको कई और लाभ भी पहुँचाते हैं। यह आपके निजी जीवन में भी सुख और शांति देते हैं, आपकी समस्याओं को दूर करते हैं। इस साल भी 22 अप्रैल के बाद यानी बृहस्पति राशि परिवर्तन के बाद आपको संतान सुख मिल सकता है। आप अगर कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो उसमें भी आपको पॉजिटिव न्यूज मिलेगी, आपको खुशखबरी मिलेगी कि आप माता पिता बनने वाले हैं। साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन में भी काफ़ी अच्छा समय 22 अप्रैल के बाद बन रहा है, यानी कि बनने वाला है। आपके और लाइफ पार्टनर के बीच कोई भी समस्याएं या शिकायतें अब नहीं रहेगी। आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर हर प्रॉब्लम का हल निकाल लेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है तो शादी के लिए भी अच्छे योग बन रहे हैं। आपकी लव मैरिज भी बिना किसी समस्या के साल के मध्य में हो जाएगी। वही अरेंज मैरिज आप करना चाहते हैं तो आपके लिए भी अच्छे रिश्ते आ सकते हैं और आपकी मैरिड लाइफ की भी खुशहाल शुरुआत हो सकती है। दोस्तों आपको मैंने अभी विस्तार से बताया कि आपके लिए बृहस्पति राशि परिवर्तन बहुत ही फलदायी साबित होगा, लेकिन बृहस्पति की कृपा आप पर और भी बनी रहे इसके लिए आप गुरुवार का व्रत करें, दान पुण्य करें और लोगों की मदद करें। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी, सुख और समृद्धि आएगी, कष्ट और दुख आपको छू भी नहीं सकेंगे। इसके अलावा जैसा मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग मौजूद होते हैं। ज्योतिष में कई महायोग है जो किसी व्यक्ति को सफल बना देते हैं, ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं, तो कई ऐसे दुर्योग भी है जो किसी व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।